स्थापना दिवस का चिरकुंडा शाखा में काफ़ी धूमधाम से स्थापना दिवस का पालन किया गया। इस दौरान बैंक के बड़े अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके साथ ही स्थानीय कस्टमर्स भी थे। बैंक अधिकारियों ने एक खाते चलाकर स्थापना दिवस का उसमें बांटी। अचानक सर ने मुझे एक दिन कॉल किया और सर ने बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहा हूँ और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तुम उसे पूरा करो। तो मैं भी सरप्राइज रह गया था क्योंकि सरायकेला में मुझे जस्ट 60 मंथ्स हुए थे। सर ने बोला कि देखो रवि, चिरकुंडा ब्रांच बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांच और बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे उस ब्रांच से, तो मैं तुम्हें वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरा कर। तो मैं तो थोड़ा सरप्राइज रहा लेकिन मैंने ना नहीं बोला और सर को मैंने बोला कि ठीक है सर। उसके बाद मैं जुलाई 23 मेंबर्स से बहुत अच्छे मिले मुझे और हम लोगों ने फंक्शनिंग स्टार्ट की और भगवान की दया से और हमारे जेडम सर के आशीर्वाद से हमारा ब्रांच लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड बेस्ट ब्रांच घोषित हुआ। इसके लिए तो मैं सबसे पहले डेनम सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मेरे ऊपर केस किया और हमारी टीम ने उस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाया और सर का हमेशा गाइडेंस मिलते रहा हमारे ब्रांच को। इनफैक्ट सर 2017 में सर ने धनबाद जोन को जब से ज्वाइन किया तब से धनबाद जोन का एक आइडेंटिटी अलग ही हो गया। हर चीज़ में हमारा जोन है सो टॉप परफॉर्मर्स में आना शुरू हो गया और सर के लीडरशिप में यहाँ का जो ब्रांचेस है उसका बिजनेस बहुत ही तरक्की किया। और लास्ट ईयर हमारे जोन को है सो अटल पेंशन में पैन इंडिया में सेकंड बेस्ट जोन का अवार्ड भी मिला है। तो PFIDSL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर का हमेशा आशीर्वाद रहा है और सर हम लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। इनफैक्ट ब्रांच मैनेजर्स को बहुत सपोर्ट भी किया है और सर के लीडरशिप में हम लोग और भी चाहते हैं कि और आगे बढ़ें और सर का सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे। और आज हम लोग ब्रांच का 53rd जो फाउंडेशन डे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहें, जेडम सर का भी आशीर्वाद बना रहे और जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है उसको हम लोग पूरे अच्छे से अचीव करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा चिरकुंडा ब्रांच हमारा बहुत ही पुराना ब्रांच है, इस पूरे जोन में बिहार और झारखंड में इसका एक अपना एक पहचान है। तो ये आप ही लोगों के बदौलत है, यहाँ पे हमारे बहुत वरिष्ठ ग्राहकगण हैं, बहुत पुराने कस्टमर्स हैं जिसके कारण ही हमारा ये ब्रांच इतना आगे गया है। तो सर का जैसा हमेशा कहना होता है कि आप लोग कस्टमर्स नहीं है, आप लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स। तो सर का ये हमेशा रहता है कॉन्फिडेंस कस्टमर्स पे कि अगर आप लोग अच्छे हैं, अगर हम लोग आपको बढ़िया सर्विस दे रहे हैं तो शाखा और आगे जाएगा। और इसी के बलबूते पे जो सिरकुंडा शाखा है इसका जो एक पहचान है, इसकी एक पहचान जो है ये सिर्फ धनबाद तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसका एक नाम है। ये आप ही लोग की बदौलत है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी भारती मैडम जो कि हमारे इस जोन की मार्केटिंग हेड है, वो आप लोग के समक्ष कुछ 2-4 शब्द रखे क्योंकि बैंक आज के समय में सिर्फ डिपॉजिट और लोन पे ही सीमित नहीं है, बहुत तरह की चीजें हैं और बहुत तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग आपको मुहैया कराते हैं एक छत के अंदर, वो इंश्योरेंस बोले या फिर म्यूचुअल फंड बोले या क्रेडिट कार्ड बोले या डेबिट कार्ड बोले या कोई भी तरह का प्रोडक्ट बोले, हम लोग कोई भी चीजों में पीछे नहीं है प्राइवेट बैंक से। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि हमारी हाईलाइट्स है बैंक की, तो मैं चाहूंगा भारती मैडम से कि वो आपके समक्ष ये 2-4 बातें रखें। सीनियर ब्रांच मैनेजर श्री रवि सर, श्रीवास्तव सर, कुमार सर फ्रॉम सन लाइफ मीडिया पार्टनर्स एंड सबसे ऊपर हमारे सम्मानित मैं भगवान को मार्केटिंग गुजार हूँ और अपने तरफ से आप लोगों की बहुत गुजार हूँ कि इस खुशी के मौके पे आप लोग हमारे साथ हैं। जन्म सर ने सोचा कि हम लोग सबको साथ मिलकर सेलिब्रेट करें जिसमें मेन रोल आप लोगों का आप लोग हैं। मैं कुछ मार्केटिंग मैं देखती हूँ इसमें 2-4 प्रोडक्ट मैं बताऊंगी और मेन जो मार्केटिंग नहीं है या बैंकिंग सारी गवर्नमेंट की योजनाएं बैंक के थ्रू